Come on. पूजन स्कंद प्रणाम एक दो तीन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते तत्वे शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटियम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटियम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये आमाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्
स्वयं स्वीकृतं सुखं कारयेत्। समुत्कर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। एक दो तीन। स्वस्थान आरंभ। सभी नागरिक बंधु कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। स्कंद प्रत्युत प्रचरणम केंद्रतः प्रचल भुज प्रणाम। एक दो तीन। भुज दंड सांघिक गीत। परम वैभवी भारत होगा संघ शक्ति का हो विस्तार। गूंज उठे गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। गूंज उठे गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। व्यक्ति और परिवार प्रबोधन समरसता का भाव बढ़े। नित्य मिलन चिंतन मंथन से भाव जगे। इसी भाव के मन से गूंजे देशभक्ति की विरहों का। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। हो किसान या हो श्रमजीवी व्यवसायी या सैनिक हो अध्यापक विद्यार्थी सेवक ज्ञानिक या लेखक हो देशभक्ति और स्वावलंबिता शिक्षा में हो ये संस्कार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। हिंदू संस्कृति की संरचना मानवता का रक्षण है। जीव दया सृष्टि की पूजा यह स्वभावगत लक्षण है। शुद्ध गगन पानी माटी से निर्विकार बन बहे बयार। गूंज उठे
भारत माँ की जय जयकार। शुभ परिवर्तन करने को अब हम ऐसा संकल्प करे, अखंड भारत का वह सपना सब मिलकर साकार करे। बाधा कोई रोक न सकती, जन्म सिद्ध अपना अधिकार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। परम वैभवी भारत होगा, संघ शक्ति का हो विस्तार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। संघ तक्ष स्कंद, संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति गणस्तंभविह गणशः दक्षिणतः चतुर्विह। गण एक वाम भ्रम प्रचल,
दंड व्यायाम योगण दक्ष सावधान स्तव सम्यक दंड व्यायाम योग स्थिति योग एक करो योग दो करो योग तीन करो योग चार करो योग पांच करो भुज दंड अर्धावृत प्रचल सावधान स्तव सम्यक
श्रमिका सिद्ध। स्वागता प्रकार एक विभाग शाह एक। दो षटपदी चतुष्क प्रकार एक क्रमशः एक। दो तीन क्रमशः चार। द्विमुखी गति युक्त प्रहार ऊर्ध्व भ्रमण सह विभागशः एक। प्रहार सिद्ध। प्रहार तूर्य भ्रम चतुष्क क्रमशः एक। दो तीन क्रमशः चार। प्रहार ऊर्ध्व भ्रमण अर्ध भ्रम युग विभागशः एक। दो क्रमिका सिद्ध। भुज दंड अर्ध वृद्ध प्र चल। घोष Thank you.
सांघिक व्यायाम योग विभाग कक्ष सावधान स्तब सम्यक सांघिक योगासन विभाग तक्ष एक पदांतरेण स्थल दंड आरम सम स्थिति प्रार्थनासन
वीरभद्रासन प्रकार दो। अर्धकटी चक्रासन। समतल स्थिति एक पश्चिमोत्तानासन। पर्वतासन। सुखासन। ब्रह्मनाद एक दो। मैं माननीय महानगर संघ चालक जी से विनंती करता हूं कि आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक परिचय एवं आभार करें। आज के उत्सव के प्रमुख अतिथि पद्मश्री श्रीमती संतोष जी यादव, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी श्री रामजी हरकरे, माननीय महानगर संघ चालक श्रीधर राव जी गाड़गे, उपस्थित अधिकारीगण, आत्मीय संतगण, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति तथा प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपने राष्ट्र की सनातन संस्कृति के संबंध में नवरात्र को आदिशक्ति के साधना का सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जाता है। देवी सूक्त में आदिशक्ति नवदुर्गा के नौ रूपों की उपासना का विशद वर्णन मिलता है और उनकी उपासना पूजा से सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, चैतन्य ऊर्जा, अनंत और सर्वव्यापक ऊर्जा, दिव्य जीवनी शक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जीवन की सार्थकता, बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता बनाने और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करना, ऐसी सभी शक्तियों को उपासना के माध्यम से प्राप्त करने का यह पर्व है। यह पर्व हमें मद मत्सर और आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 97 वर्ष पूर्व
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर शाखा पद्धति द्वारा चरित्रवान व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की, वह भी ऐसी सभी शक्तियों का जागरण का तंत्र है। संघ के 100 वर्ष अब पूर्ण होने जा रहे हैं। अपने द्वारा संगठित शक्तियां और उनके माध्यम से चलने वाले समाज में परिवर्तन और सेवा के कार्य की वजह से समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति विश्वास प्रकट हो रहा है। हम सभी की जवाबदारियां और बढ़ेगी, उसके लिए तैयार होना है। ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवक इस कार्य के लिए तैयार हो और हर बस्ती में स्वयंसेवक और उनके कार्य हो, यही लक्ष्य है हमारा। शतक महोत्सव और वो भी संघ का इसी लक्ष्य की पूर्तता से हो, विजयादशमी का यही संकल्प हो हमारा। परम पूजनीय गुरुजी ने एक उद्बोधन में कहा है कि अपना कार्य ऐसा नहीं कि हम संतोष मानकर बैठ जाएं। संतोष और धन्यता मानने की वृत्ति प्रगति के लिए घातक होती है, असंतोष से ही उसका पोषण होता है। इसीलिए काम में कभी भी संतोष मानकर मत चलिए। कहने का तात्पर्य, निरंतर चलते रहिए। आज की हमारी माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री संतोष जी यादव इसी सिद्धांत पर चलती है, और इसीलिए मई 1992 में सबसे कम उम्र 20 वर्ष की उम्र वाली युवती, एवरेस्ट पर विजय पाने वाली युवती, ये विश्व में पहला महिला का कीर्तिमान आपने स्थापित किया। यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि उनके साथ के पर्वतारोही को उस एक्सपीडिशन में उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और उस वक्त उन्होंने अपना ऑक्सीजन का यंत्र उन्हें दे दिया। यह सेवा का भाव। और सिर्फ वहीं न रुकते हुए एक वर्ष में ही मई 1993 में अब की बार कठिन मार्ग को चुनकर कांगशुंग, ये मार्ग है, फिर से एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे सफलता प्राप्त कर विश्व की पहली महिला जिसने जो दो बार जीत हासिल की उसका कीर्तिमान स्थापित किया। अलग अलग देशों के पर्वतारोहण कैंप में आपने भाग लिया। आपका जन्म 1969 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावस गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में और रेवाड़ी में हुई। इकोनॉमिक ऑनर्स की शिक्षा जयपुर के प्रसिद्ध महारानी कॉलेज से ली। आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी रही। उस जीवन में भी आपने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ध्यान रखा। मैंने उनसे उनके द्वारा प्राप्त गए अवार्ड्स की सूची लेनी चाहिए, परंतु उन्होंने तो बस कह दिया कि मैं तो आगे चलती रही, अवार्ड्स मेरे पीछे भागते चले आ रहे हैं, छोड़िए इन सबको। इस बात से उन्होंने इस विषय को बंद किया। आपका विवाह श्री उत्तम कुमार जी से हुआ। एक बेटा और बेटी है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को भी वे पूर्ण रूप से निभाती हैं। आपके जीवन में आपने आध्यात्मिकता और सादगी को अपनाया है। वे एक कट्टर पर्यावरण प्रेमी, उत्कृष्ट वक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर है, जिन्होंने अनेकों के जीवन में बदलाव लाया। ऐसी मातृशक्ति हमें अपने उत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में प्राप्त हुई है। मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय मोहन जी से निवेदन करता हूं कि आप पद्मश्री संतोष जी का स्वागत करें। आज का यह उत्सव
सभी के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। अपनी मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीमती संतोष यादव की उपस्थिति तथा मार्गदर्शन निश्चित ही हमें संस्कृति की आधार और राष्ट्र की सेवा इस बात के लिए प्रेरित करेगी। आप समाज में चेतना जगाने के पुण्य कार्य में व्यस्त रहती हैं, इस व्यस्तता के बावजूद भी आप यहाँ पधारी और आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पंथों के पूजनीय संतों ने अपने इस उत्सव में पधारकर हमें आशीर्वाद दिया है, आपकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहे यही कामना करता हूँ। हमारे निमंत्रण को मान देकर विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ सज्जनगण, नागरिक बंधु और भगिनी, उन्होंने यहाँ त्योहार के दिन उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्त पत्र के प्रतिनिधि, छायाचित्रकार अपने इस उत्सव को देश और विदेश के हर कोने में पहुँचाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने इस कार्यक्रम में तरह तरह की व्यवस्थाएं लगती है और ये जो हमें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन, CPN बेलार एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर शिक्षण मंडल, नागपुर सुधार प्रन्यास जिन्होंने हमने मैदान उपलब्ध कराया, डॉक्टर हेडगर स्मारक समिति, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिन्होंने स्वच्छता, पानी इत्यादि की व्यवस्था की, महाराष्ट्र विद्युत मंडल, पुलिस प्रशासन, विविध सुरक्षा यंत्रणा, इन्होंने सुरक्षा और वाहतूक व्यवस्था की व्यवस्था प्रदान की है। ऐसे और भी प्रशासकीय विभागों तथा व्यक्तियों का, विशेषकर यहाँ पर नियमित रूप से खेलने वाले खिलाड़ी, इनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ पर व्यक्ति गीत होगा। आदरणीय प्रमुख अतिथि श्रीमती संतोष जी से मैं निवेदन करता हूँ कि गीत पश्चात आप हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से अनुरोध है कि तत्पश्चात अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। ओ विजय के पर्व पौरुष भाव जन जन में जगाकर, ओ विजय के पर्व पौरुष भाव जन जन में जगाकर, मातृभू के हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे, ओ विजय के पर्व पौरुष भाव जन जन में जगाकर, मातृभू के हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे, यूं बहुत ही योग्य रावण और अनुपम वीर था, शक्तियां भी थी अपरिमित, किंतु मद में चूर था, राम ने जन जन जुटा कर शक्तियां संचय किया, सेतु बांधा और दशानन दुष्ट का मर्दन किया, ओ विजय के पर्व पौरुष भाव राघव सा जगा कर,
मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे। घोरतम जब सर्वधिक था कदम केशव ने बढ़ाया, निज हृदय की वेदना से संघ का दीपक जलाया। मातृभूके त्रास हरने संगठन का सूत्र देकर हिंदू हिंदू है सहोदर, मंत्र यह नभ में गुंजाया। ओ विजय के पर्व पौरुष भाव केशव सा जगा कर, मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे। भुवन भुवनों में गुंजा दे चिर सनातन स्थापनाए, कोटि कंठों से निनादित भरत भू की वंदनाए। स्वप्न यह साकार करने बंधु बंधु को संजोए, सामरसता भाव भर कर त्याग दे निज वर जनाए। ओ विजय के पर्व पौरुष भाव माधव सा जगा कर, मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे। कर्म पथ पर अग्रसर हो राष्ट्र का निर्माण करने, दीन दुखियों के उरों का घोरतम संताप हरने, लक्ष्य अंतिम छोर के जन का उदय उत्थान हो, ताकि अनुपम भारती का विश्व में सम्मान हो। ओ विजय के पर्व पौरुष भाव मधुकर सा जगा कर, मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष भाव जन जन में जगा कर, मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे। मातृभूके हित समर्पण और श्रद्धा को जगा दे।
पृथ्वी माँ आपको नमन। मेरे भारत की पृथ्वी माँ आपको नमन। महाराष्ट्र की नागपुर की सूर्य भूमि आपको मेरा नमन। परम पूजनीय सचालक आपको मेरा नमन। उपस्थित सभी स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो मुझको सुन रहे हैं, उन सभी स्वयं सेवक संघ के प्रचारक एवं अन्य सभी बंधुओं और बहनों, माताएं, विशेषकर युवा और बच्चे, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम, ढेर सारा स्नेह। प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यस अपयस जन्म मृत्यु लाभ हानि सब विधिहार। इन शब्दों की श्रृंखलाओं को कहने का तात्पर्य, अक्सर मेरे आचरण और मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे, क्या तुम संगी हो? तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है, मैं संघ के बारे में नहीं जानती थी उस वक्त। मैं एक छोटे से गांव से, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई, तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था, तो मैं उसी उधेड़ बुन में लगी रहती कैसे अपने शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूं। मुझे दुनियादारी से बहुत ज्यादा संपर्क में मन नहीं था, और अक्सर ये संयोग होता था, लोग मुझे कहते थे तुम संगी हो क्या, तो मैं कहती थी वो क्या होता है। आज वो प्रारब्ध है, मैं संघ के इस सर्वोच्च मंच पर आपके स्नेह पा रही हूं। नित्य जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो प्रारब्ध बन करके ही हमारा सृजन करता है। भारत की भूमि पर संघ के एक एक प्रचारक पूरे सेवा भाव, पूरे विश्व कल्याण, सृष्टि का कल्याण हो, सनातन संस्कृति का मूल मंत्र को पकड़ा हुआ है, आवश्यकता में जीना, ये मैं स्वयं बचपन से ही, बहुत एक संपन्न परिवार से होते हुए भी मैंने इस आवश्यकता को ही अपनाया। उस आवश्यकता में जीने के भाव ने मुझको न केवल हिमालय की उस सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि विश्व के अनेक जगह पर और अलग अलग चीजों को अनुभव करने का मेरा पुलिस में जाकर के शस्त्रों का ज्ञान लेना और अन्य कई तरह का ज्ञान मुझे हासिल हुआ, वह एकमात्र तरीका था कि हम सनातन संस्कृति के जो मूल मंत्र है आवश्यकता में जीना। और आज स्वयं सेवक संघ का एक एक प्रचारक उसकी पालना कर रहा है, और इसी बात ने मुझे प्रभावित किया और आज मैं इस मंच पे हूं। वह इस पूरे विश्व और सृष्टि के कल्याण में कार्यरत है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के हर मानव समाज को मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि वो आवे और इनके कार्यकलाप को देखें। मैं पहले भी कई लोगों से मिल चुकी हूं और
कल से जब से मैं आई हूँ नागपुर में, मैं एक एक कार्य को देख रही हूँ, वह इतना शोभनीय है, वह इतना प्रेरित करने वाला है। संगीत, कल भी मैं हमारी बहनों से मिली, सेविका समिति की अध्यक्ष से मिली, उन्होंने जो गीत गाया वह भाव को कैसे जगाता है ये हमें सीखना है। सनातन संस्कृति में जो जीता है वो सदैव सृजन के भाव में जीता है, वे नष्ट के भाव में कभी नहीं जीता। सनातन संस्कृति हमें स्वास्थ्य के लिए, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करती है। पांचों तत्व की शुद्धता की पालना ही करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं, और मानव का सबसे पहला उद्देश्य ही स्वस्थ रहना होना चाहिए। जब वह स्वभाव तो मानव का खोज करना है, जब वह स्वस्थ रहता है तो वह स्वस्थ खोज करता है। सनातन संस्कृति का जो वात्सल्य है, बचपन से ही मैं इस दुनिया में आई नहीं थी, मेरी दादी माँ जिन्होंने मुझे मांगा, मेरी माँ जब मैं बाहर बड़ी हुई बाहर निकली घर से, तो वह रोजाना एक दीपक जला करके मेरी सुरक्षा की कामना करती थी। मेरे पिता का लाड गले के हार इतना लाड करते थे, उस स्नेह ने मुझे आत्मबल का धनी बनाया। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ सभी से कि स्नेह से सब कुछ जान सकते हैं हम। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हमें समर्पण भाव सिखाती है, हमें कैसे सबके साथ मिलजुल करके रहना है उसको सिखाती है। जबरदस्त, इतना इस सनातन संस्कृत में विज्ञान छुपा हुआ है, और जब उस विज्ञान को हम समझ जाते हैं वो आध्यात्मिक प्रकाश, उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा में हम जाते हैं और आनंदित होते हैं। कई बार हम लोग दूर से ही चीजों को देख करके कई विरुद्ध बातें करते हैं। मुझको याद है एक बार मैं JNU में अपने पर्यावरण के उद्बोधन में बच्चों से बातचीत कर रही थी, एक बच्चे ने कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। हमने, किसने कहा आपको, हम तो चर्चा नहीं कर रहे इस बात की। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, हमने पूछा उनसे क्या आपने इसको पढ़ा है, उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते तो इसकी प्रति द्वेष क्यों, विरोध क्यों, पहले इसको जानिए उसके बाद इसके बारे में चर्चा करें। तो हम किसी चीज को जाने बिना पहले किसी चीज के बारे में अपनी धारणा बनाना ये सनातन संस्कृति नहीं सिखाती। सनातन संस्कृति एक विनम्रता का भाव देती है, वह चाहे हमारा वस्त्र है का पहनने का ढंग है, चाहे हमारा भोजन करने का ढंग है, हमें क्या ग्रहण करना है दसों इंद्रियों के साथ में, वह सिखाती है सनातन संस्कृति। ये मेरे भारत की पवित्र भूमि पे जन्मी है, हिमालय से लेकर के सागर तक, इसीलिए हम सब भारतीयों की जिम्मेवारी बनती है सनातन संस्कृति का उद्घोष, इसका प्रचार पूरे विश्व में पूरी जागृत अवस्था के साथ में खुद सनातन संस्कृति तो अपनाए, और उसके बाद हम पूरे विश्व में विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इसके प्रचार प्रसार में जुटना चाहिए। मैं अपने स्वयं सेवक संघ के सभी प्रचारक से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस संकल्प के साथ में 97 वर्षों से
कि सृष्टि का कल्याण हो, पूरे मानव का कल्याण हो, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं आप, मजबूती से आप लगी और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ में खड़ी हूं। आप लोगों ने मुझे बल दिया, हम आपको बल दें। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण की समस्या है, चाहे राजनीतिक और चाहे अर्थव्यवस्था। उसका एकमात्र समाधान है, वह है सनातन संस्कृति। आपके इस कार्य को, जो ईश्वरीय कार्य में आप लोग लगे हैं, पूरे विश्व को इस कार्य में, पृथ्वी मां के सम्मान में, हम पूरे मानव के सम्मान में सबको एकजुट होकर के लगना है। मैं आप सभी लोगों से ये विनती करती हूं कि आप सब लोग सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और उसी की मैं कामना करती हूं कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का मानव जगत स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं नागपुर वासियों का, और हमारी भारत माँ की ध्वजा जो सामने लहरा रही है, उसको मैं कोटि कोटि मेरा नम। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज के अपने कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि आदरणीय पद्मश्री श्रीमती संतोष जी यादव, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय सहसंघचालक जी, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली अश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित है। शक्ति सारी बातों का आधार है, शक्ति शांति का भी आधार है, शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है।
क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और संयोग है कि उसमें प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित श्रीमती संतोष यादव जी उसी शक्ति का, ऊर्जा का, चैतन्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। गौरी शंकर की ऊंचाई को दो बार उन्होंने पाटा है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। श्रीमती अनुसुईयाबाई काले हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। उस समय भारतीय महिला परिषद, इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कौर भी यहां के शिविर में आ चुकी है। दिसंबर 34 में शिविर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता ऐसी एक महिला ने की थी, और तब से चलता आ रहा है। इमरजेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा, मैं वहां प्रचारक था उस समय, तो कुमुत्ताई रांगणेकर जी औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयादशमी उत्सव का प्रमुख अतिथि पद भूषित किया था। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां ये दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है, लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया। और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, यह ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में, सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। 2017 में विविध संगठनों में काम करने वाली
और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी, यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सबको उसमें लिया। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण ये पहली बार हुआ है। वो सर्वे प्रसिद्ध भी हुआ, उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया। दिल्ली में ही उसका लोकार्पण निर्मला जी सीतारामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था, मैं था वहां पर। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है, मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं, उनके पांचवें फेज के बाद अब छठा फेज चल रहा है, उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। और इसलिए उस मातृशक्ति के जागरण का महत्वपूर्ण काम अपने परिवार से प्रारंभ करते हुए सार्वजनिक कार्यों में, संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी। और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, इसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे, अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। अभी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अपने देश के नवोत्थान के इस उदय काल के दृश्य को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक प्रगति के प्रतीक, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना प्राणार्पण किया उनके गौरव के प्रतीक कैसे कैसे खड़े हो रहे, उसके पीछे अपने समाज का कर्तृत्व कैसे दौड़ रहा है, इस सारा वर्णन आपने भी सुना है। इस नवोत्थान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए। गोलमोल नहीं चलेगा,
क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है। तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन प्रशासन समाज नेतृत्व कार्यकर्ता इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है, कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है, मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो खाई हो कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा, ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की अपने आत्मा की ये जानकारी ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो, क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है, उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी विश्वास का भी वातावरण बनता है, और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है, और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है प्रत्येक व्यक्ति के, और सामूहिक रूप से हमारे समाज के राष्ट्रीय चरित्र का ये महत्व का घटक है सहचित्तता। इसलिए हमारे संगठन मंत्र में उसको स्थान है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषां, समानम मंत्र अभिमंत्रमेव, सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है, और जैसा मैंने कहा चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, दो प्रकार की बातों से साधारणता सावधान रहना पड़ता है। पहली बाधा तो हम खुद रहते हैं, गतानुगतिकता स्वभाव की वो बाधा उत्पन्न करती है, रूढ़िप्रियता के कारण वो बाधा आती है। समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती है, और उसके अनुसार चलना तो है लेकिन बदलकर चलने के चक्कर में बहुत कुछ पहले अनुभव से जो चलते आ रहा है उसमें जो शाश्वत होता है, जैसे हमारी अतिथि महोदया ने बार बार सनातन संस्कृति का उल्लेख किया, वो जो सनातन शाश्वत संस्कृति के मूल्य है उनको छोड़ने से काम नहीं चलता, उसी बुनियाद पर नया युगानुकूल देशानुकूल प्रतिमानक कौन सा होगा ऐसा विचार करके चलना पड़ता है। तो नित्य नूतन होना पड़ता है लेकिन चिर पुरातन भी रहना पड़ता है, सनातन और नित्य नूतन ये साथ चलते हैं, बिना सनातन के नित्य नूतनता भटका देती है, कटी पतंग हो जाती है, और बिना नूतनता के
तो अंग्रेजी कविता प्रसिद्ध है, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू लेस्ट वन गुड क्वेश्चन शुड करप द वर्ल्ड। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है, उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ चलते चलते भटक न जाए इसलिए सनातन पर पैर पक्के रखने पड़ते हैं। ये करने से मन की गतानुगतिकता हमको रोकती है, हमको उससे बाहर आकर अपने उस सनातन संस्कृति के मूल्यों का युगानुकूल देशानुकूल अभिव्यक्ति करने वाला रूप क्या है, संपूर्ण दुनिया से जो आता है उसमें भी लेने लायक क्या है, उसको देशानुकूल कैसे बनाते हैं, ऐसा विचार करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की जो बाधा है, सनातन मूल्यों का क्षरण न हो ये देखकर चलते समय और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती है, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव सामंजस्य जो नहीं चाहते, जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है ऐसा होने से, वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए, असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे, इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हमको हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं, जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं, राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयतापूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। एक बहुत पुराना मराठी भावगीत मुझे याद आता है, शायद लता जी ने ही गाया है, उसमें यह कहा गया है, वाढ़वीत भेद भावा दुष्ट तोचा फिरतो कावा, भेद भावों को बढ़ाते हुए दुष्टता अपने छल कपट कर रही है, गाठुनिया भोलिया जीवा अंधारात घाली लगाव, अंधेरे में आघात करेंगे लोगों के भोलेपन का लाभ उठाकर, चित्त नित्य सावध ठेवा, नित्य सावधान रहो, एक लक्ष्य लाओ न डोले, एक लक्ष्य के तरफ अपनी नजर गड़ा के रखो, उस लक्ष्य का भान रख के सावधान रहो। वो लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक है, भारत का परम वैभव यही अपना लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के लिए इस प्रकार सजगता से समाज का सबल और सफल सहयोग आवश्यक, क्योंकि परिवर्तन आता है, परिवर्तन लाने वाले उपकरण रहते हैं, शासन है, प्रशासन है, समाज में तरह तरह के संगठन है, संस्थाएं हैं, एनजीओ काम करती है, लेकिन इन सबकी यशस्विता
समाज का जब तक उनको समर्थन मिलता नहीं, समाज में जब तक वो परिवर्तन आता नहीं, तब तक ये सफल नहीं होती। कई इसके उदाहरण है। अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे, आजकल लोगों को समझ में नहीं था, तकरार करते, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है, आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं, पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंचों कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहां बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे। वो कह रहे थे, भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। और आज देखेंगे तो मूर्धन्य अपने देश के जिस क्षेत्र में जितने व्यक्ति है, लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े। ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी, अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी? और केवल मांग करने से होगा? मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं, क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं, तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? शिक्षा नीति में, और हम कहते हैं संस्कार आजकल नहीं मिलते, संस्कार आने चाहिए, सुसंस्कृत देशभक्त नागरिक बनने चाहिए, लेकिन अपने पाल्यों को स्कूल में भेजते समय हम क्या बताते हैं? ऐसा पढ़ो कि अधिक कमाओगे, ऐसा बताते हैं कि ऐसा पढ़ो कि देश के उत्तम नागरिक बनोगे, ऐसा बताते हैं। पाल्यों को अगर हम ये मंत्र देकर भेज रहे कि कुछ भी करके अधिक कमाने वाली डिग्री लो, तुमको उस डिग्री का ज्ञान लेने की इच्छा हो ना हो, मन के विरुद्ध पैसा 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 ऐसा होने के लिए तुमको वही करना चाहिए, जब तक ये अभिभावक पढ़ाते तब तक छात्र कैसे देशभक्त सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे? वो तो पैसा कमाने वाली मशीन ही बनना चाहेंगे। शुरू समाज से होती है सारी बातें, संस्कार भी समाज में, घर में अभिभावक देते हैं, सामाजिक आयोजनों में और माध्यमों के द्वारा, जननेताओं के द्वारा
संस्कारों का वातावरण होता है। केवल विद्यालय महाविद्यालय शिक्षा में संस्कार नहीं मिलते, हमको परतंत्र बनाने वाली शिक्षा जब शासन के संपूर्ण आशीर्वाद से लागू थी स्वतंत्रता के पूर्व, तो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर नए भारत की कल्पना करके संघर्ष करने वाले सबके सब लोग उसी शिक्षा पद्धति में से निकले। लोकमान्य तिलक कहां पढ़े थे? गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। महात्मा गांधी गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। योगी अरविंद गुरुकुलों में नहीं पढ़े थे। डॉक्टर हेडगेवार की शिक्षा अंग्रेजी पद्धति से हुई थी। लेकिन ये सबके सब लोग देशभक्त सुसंस्कृत लोग क्यों बने? तो केवल स्कूली शिक्षा पे निर्भर नहीं थे, घर का वातावरण, समाज का वातावरण, इसके कारण उनके संस्कार बने। समाज का यह दायित्व बनता है, प्रत्येक परिवार का जो समाज की छोटी इकाई है उसका यह दायित्व बनता है। वहां परिवर्तन नहीं आएगा तो कैसे शिक्षा नीति संस्कार लाने में सफल होगी? दूसरी ऐसी स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है। हम चाहते हैं, हमारा प्रस्ताव भी है, आप सबकी इच्छा है कि सबको सुलभता से मिले, सस्ते में मिले, और समग्र विचार करके, सभी पाखियों का विचार करके जिसको जो लागू होता है ऐसा देने वाली, एक शब्द चलता है प्लूरोपैथिक, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था सरकार करे, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल उपचार पर निर्भर नहीं रहता, बीमार होने पर उपचार की बात है, बीमार न होने के लिए कुछ करना पड़ता है। इलनेस की व्यवस्था हमारी अपेक्षा ठीक है, लेकिन वेलनेस का काम हमको भी करना पड़ता है। अब सरकार के नीति के कारण और उनके आशीर्वाद से भी योग की बात रूढ़ हो रही, सब लोग योगासन करें ऐसा प्रयास चल रहा है। संयम की आदतें, सार्वजनिक स्वच्छता की आदतें, इन सारी बातों में शासन की नीति तो अग्रसर हो रही, हमारी आदतें बदली है क्या? हम अपना कचरा कहां पर डालते हैं? हम अनावश्यक कचरा करते हैं क्या? अपने पर्यावरण को, अपने घर के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं कि नहीं रखते? हमारी स्वयं की आदतें स्वच्छता की है कि नहीं? कितनी बातें सोचनी पड़ेगी। समाज जब तक सहयोग नहीं करता व्यवस्था यशस्वी नहीं होती। केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ हुआ है, परंतु वो पूरा का पूरा मिले, अमल में आए, इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है और वो समाज की लानी पड़ेगी। कानून नियम तो बने, बाद में भी बने और आज भी बन रहे हैं, समाज में विषमता का निर्मूलन हो और समता को लाया जाए, यह उद्देश्य बताकर, यह उद्देश्य बनाकर भी नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन विषमता रहती कहां है? विषमता तो हमारे आपके मन में रहती है। ऊपर ऊपर का इलाज होने से क्या होगा? अंदर तो नासूर सड़ता रहेगा, और इसलिए मन से उसका निर्मूलन होना चाहिए। समाज मन से विषमता चली जानी चाहिए, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहां हमारा आना जाना, उनका हमारे यहां आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो, ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा।
ये हम सबको करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के लिए भी रोजगार की बात आती है, बहुत सारी बातें चल रही है, स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां आ रही है, और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते हैं, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है। हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लुटाते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम इसकी चिंता करते हैं कि नहीं कि मेरे करने में, मेरे अपने लिए कमाने में किसी का शोषण न हो। योगः कर्मसु कौशलम् गीता में कहा है और तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा कहा है। वो कुशलता ये है, अपना जीवन चलाना, दूसरे किसी के जीवन को हानि बिना पहुंचाए, ये हमारी परंपरा है। क्या हमारे जीवन में वो आई है, बीच में चली गई, हम स्वार्थी बन गए? उस स्वार्थ को अपने मन से हटाकर हमने इस आचरण को अपनाया नहीं तो शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था कहां से आनी? रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो, और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस, ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10-20-30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है, बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है, कोरोना में हमने देखा, कोरोना में और बड़ी संख्या में 3 करोड़ से ऊपर लोगों का इधर से उधर जाना हुआ, रोजगार छूट गए, नए रोजगार नहीं बने, ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया। केवल संघ के स्वयंसेवक ने नहीं, कोई एक संगठन, एक सरकार, एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उस समय सब लोग इकट्ठा आ गए, शासन प्रशासन भी आया, समाज के सधन संपन्न व्यक्ति भी आए, उद्योग चलाने वाले लोग भी आए, संघ के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता सब एक हुए और सबने प्रयास किए तो मिल गया काम लोगों को। और इस अनुभव से सीखकर जो स्वयंसेवक आर्थिक विषयों को ध्यान देने वाले संगठन में काम करते हैं, उन्होंने बाद में भी यह उपक्रम चलाया, समाज के ऐसे सब लोगों को साथ लिया, उनके साथ वो रहे, और एक एक जिला केंद्र पर उस जिला में ही जिनको काम मिल सकता है वहां के तरुणों को, ऐसे रोजगार कौन से, उनका प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात उन्होंने शुरू की। 350 जिलों में ये काम शुरू हो गया है, सब जिलों में शुरू होगा, और अभी तक बड़ा उल्लेखनीय रोजगार देने का काम उनके द्वारा हुआ है। आंकड़े मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बताता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 350 जिलों में जिला केंद्र से ये काम शुरू हो गया है। ये हम अगर करेंगे नहीं तो अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकते, रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है, ये तो अधिकांश सारे समाज के हाथ में। समाज अगर ध्यान नहीं देता तो ये होता नहीं है। बार बार समाज 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 ये मैं क्यों कह रहा हूं, सरकार को उसके दायित्व से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूं, और हमको मुक्त नहीं करना है, उस पर नजर रखनी है, ठीक करते कि नहीं अपने दायित्व को पूरा, जनता का यही काम है, परंतु वो अपना दायित्व पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला, क्योंकि सब बातों का कारण समाज है, उस समाज में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते, इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा,
लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है वहां, डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए, लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे, तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा, हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे, आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या, अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है, ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्ष पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है, उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है, परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए, तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है, उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है, कितनी भाषाएं दुनिया वाली दुनिया की, बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। और इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना, जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से
लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद 5 साल के बाद 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए स्व की जागृति का महत्व है। क्योंकि समाज यानी हम है, एक मैं यहां हूं लेकिन मेरा समाज, हमारी सबकी एक समान पहचान है। वो हमारी समान पहचान कौन सी है? सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है, विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में है, उनकी पूजाएं पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के है, कुछ दशकों पूर्व पूर्वज उनके वही थे जो हमारे, इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है, भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा। पूरे भारत की प्रशस्ति रामायण में है, पूरे भारत की प्रशस्ति बाद के महाभारत में है, पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने, रविन्द्रनाथ टागोर ने, सब लोगों ने। क्या समय था, कौन सी व्यवस्था थी, राज्य एक थे या अनेक थे, राज्य करने वाले अपने थे या विदेश के थे, बिना इसका विचार किए पूरे भारत का स्तुतिगान गाया है। हमारा देश उस समय से एक देश है, एक राष्ट्र है, क्योंकि इन विविधताओं को स्वीकार करने की बात हमारे समझ में बहुत प्राचीन समय में आ गई। हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है, उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका। सब अपना है क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं, दूसरे जगह दूसरे रूप में दूसरे प्रकार से दूसरे नाम से दूसरे रूप में कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख, ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है।
जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने, वह हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति, खान पान रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बात है, आचार धर्म है वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है, क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो, क्या धर्म है, सत्य करुणा शुचिता तपस, बस चार बातें, बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है, और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये चार जिसमें नहीं है, इस चार में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो, इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है, कहीं भी लिखा हो, इसमें सत्य हम सब एक है इसका अधिक्षेप होता है, इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है, इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है, और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी।
हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं, हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये सब। लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। और सत्य करुणा शुचिता और तपस के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। ऐसे आधार पर जो शक्ति खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ शील रहता है। प्रार्थना में है हमारे अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है हमको कोई जीत न सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है, उनसे ये मूल्य उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है, इसलिए अजय्यांच शक्तिस्य शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत, जहां सत्य करुणा तपस शुचिता है वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है, दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए, लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है, ना भय देत काहू को ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, यह हवा फैलाते हैं, ऐसा कुछ डर मन में है। और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं, आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरु जी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा, क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में, और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई, क्या कारण था क्या नहीं उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ, पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया, अन्याय असत्य अत्याचार आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए, हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है
उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए, और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान की मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए, और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़े, जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को किसी को श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसका इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है, इस गलत विचार का दुखभरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है, हमको एक रहना है, तो हमको भारत होना है। हम भारत के, हम भारत के पूर्वजों के, हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। योगी अरविंद, उनका भी जन्मदिन 15 अगस्त का ही था, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संदेश दिया। उसमें उन्होंने 5 स्वप्न अपने बताए। पहला स्वप्न था स्वतंत्र अखंड एकात्म भारत। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई और अपने संविधान के कारण सारे अलग अलग संस्थान एकत्र होकर एक देश बना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु पाकिस्तान हुआ, भारत का विभाजन हुआ, इसके कारण हिंदू मुसलमानों की खाई दूर होने के बजाय एक नई शाश्वत राजनीतिक खाई बन गई, ये गलत हो गया। जिस किसी मार्ग से जाना है उस विभाजन को जाना चाहिए, नहीं तो भारत की उन्नति, भारत की प्रगति और शांति, और भारत का दुनिया में जो योगदान अपेक्षित है उसके मार्ग में यह सदा बाधा बनता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व को एक करना मैं चाहता हूं, उसके लिए यूनो वगैरह जैसी संस्थाएं बन गई द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, ये अच्छी बात है, वहां जरा न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, भारत को उसको सशक्त करना पड़ेगा। और इसलिए तीसरा स्वप्न, भारत की आध्यात्मिकता का सारे विश्व में सर्वसंचरण होना पड़ेगा, और विश्व की मानवता पर अतिमानस का अवतरण होना पड़ेगा, यानी मानवता सामान्य रूप से उन्नत होनी पड़ेगी। इन 5 स्वप्नों को वो देखते थे, उन्होंने अपने पत्र में वो लिखा, संदेश में लिखा, और इसलिए कर्तव्य का जो संदेश उन्होंने उसमें लिखा है वो हम सबके लिए अतिशय मननीय और करणीय संदेश है। उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मूल अंग्रेजी में है पत्र, वो हिंदी में है, मैं करता हूं और बताता हूं। महर्षि अरविंद कहते हैं, राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय आता है जब नियति उसके सामने ऐसा एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य रख देती है जिस पर अन्य सब कुछ, चाहे वह कितना भी उन्नत या उदात्त क्यों न हो, नोछावर करना ही पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा समय आया है जब उसकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं, जब अन्य सब उसी के लिए प्रयुक्त करना है। यदि आप पढ़े तो उसी के लिए पढ़ो, शरीर मन व आत्मा को उसके सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो, अपनी
जीविका इसलिए प्राप्त करो कि उसके लिए जीना है। सागर पार विदेशों में इसलिए जाओगे कि वहां से ज्ञान ले आकर उससे उसकी सेवा कर सके, उसके वैभव के लिए काम करो। वह आनंद में रहे इसलिए दुख झेलो। इस एक परामर्श में सब कुछ आ गया। आज का समय देखते हैं तो आज भी हमारे लिए कर्तव्य का यही संदेश है। गांव गांव में सज्जन शक्ति, रोम रोम में भारत भक्ति, यही विजय का महामंत्र है। दसो दिशा से करे प्रयाण, जय जय मेरे देश महान। इस कर्तव्य पथ पर हम सब स्वयं सेवक आगे बढ़े, समाज भी हमारे साथ आगे आए, स्वतंत्र रूप से भी हमारे साथ चल सकता है। हम सब लोग साथ मिलकर चले और परम वैभवी भारत को विश्व गुरु बनाए। इस आवाहन के साथ मैं अपने चार शब्द समाप्त करता हूं। सावधान, उत्तिष्ठ, भुज दंड। संघ दक्ष ध्वज प्रणाम, एक दो तीन। संघ वी किर वाम प्रद आ रम। सावधान, तक्ष, पीछे वाले स्वयंसेवक ने दौड़कर संख्या लेना है। संख्या